नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं लगातार। रघुवंश प्रसाद राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि जितने गैर भाजपा दल हैं उन सभी को एक होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर सभी पार्टियों का रुख क्या है। इस वक्त हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी हैं। मांझी जी, लगातार जिस तरह से रघुवंश प्रसाद जी कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, रघुवंश बाबू बहुत पुराने समाजवादी नेता हैं जी, और ये बात सही है कि सत्ता के लोभ में न पढ़ करके समाज के हित में, राज्य के हित में वो बात करते हैं। और जैसा कि आपने कहा और मैंने भी सुना कि आज देश के सामने भाजपा बहुत बड़ा खतरा हम लोगों के समक्ष है, और चाहे वो हिंदू समाज को बहकाने का मामला हो, NRC का मामला हो, या फिर झूठी राष्ट्रीयता का ढोंग रच करके युवाओं को प्रलोभित कर करके एक नया साम्राज्य बनाने की बात वो करते हैं। और इससे हम लोगों को एक आशंका है कि जिस प्रकार से मोहन भागवत जी ने आरक्षण के संबंध में बात की कि आरक्षण पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों को आपस में बात करना चाहिए, हम लोग सशंकित हैं कि इसी तरह की बात उठवा कर करके, चाहे 370 का मामला हो या NRC का मामला हो या 3 तलाक का मामला हो, कहवाया गया और फिर उसको लाया गया। आज हम लोग डर रहे हैं कि कहीं यही सब बात उठा कर फिर आरक्षण को भी समाप्त करने की साजिश न हो। इसीलिए अच्छा, ऐसा नहीं लगा कि एक मिनट, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि भाजपा नित सरकार हिंदुस्तान में न रहे, बिहार में न रहे। इस संदर्भ में रघुवंश बाबू ने जो कहा है कि भाजपा के विरोध में सबों को अपना कोई भी अपेक्षाएं हो उसको त्याग करके एकजुट होना चाहिए ताकि भाजपा परास्त हो सके। अच्छा, BJP आपसे नहीं लग रहा कि किसी खास समुदाय या किसी खास वर्ग के लिए एक टारगेट कर रही हो राजनीति? देखिए, ये हम लोग स्पष्ट नहीं करना चाहेंगे या कोई ऐसी बात है भी नहीं, लेकिन सब पार्टी के लोग कुछ कहीं ना कहीं जातीय आधार पर बात करते ही रहते हैं। तो वैसे में अगर भाजपा कोई समाज विशेष को लेकर के, खास करके वैश्य वर्ग के लोगों को लेकर के चलने की बात करती है, और आपने देखा होगा कि अभी जयसवाल साहब को उन्होंने प्रदेश प्रमुख भी बनाया, इसका टारगेट साफ है कि पिछड़े वर्ग में जो हमारे वैश्य समाज के हैं उनमें अच्छी पकड़ हो जाए और भाजपा के साथ रहे, ये टारगेट उनका है। इसलिए नकारा नहीं जा सकता है किसी भी पार्टी को, सभी पार्टी में कहीं न कहीं जातीय आधार एक प्रमुख मुद्दा होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बिहार में भी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, मांझी जी ने की पार्टी ने 2 सीटों पर लड़ने का एक मन बना लिया है, RJD का ये 3 सीट, तो फिर बाकी के दलों का क्या होगा? नहीं, मन बनाना एक अलग बात है, व्यक्तिगत अप्रोच है। हम चाहते हैं कि किशनगंज या फिर नाथनगर में हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, हम लड़ सकते हैं, लेकिन ये सब सारा फैसला जब महागठबंधन की बैठक होगी उसमें होगा। उसमें हो सकता है कि हमें 1 सीट भी न मिले, लार्जर इंटरेस्ट में हमको स्वीकार भी कर लेना पड़ सकता है, या हो सकता है कि हमको 2 की जगह 1 मिले। तो इस तरह की संभावनाएं उस समय होगी और उसमें ये बात आएगी। बाहर मन बना लेना और कह देना ये कोई माने नहीं रखता। अच्छा, पप्पू यादव भी लगातार मिल रहे हैं, गैर भाजपा दल वो भी हैं, आना चाहिए क्या साथ में? पप्पू यादव मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, अपनी बात करते हैं, राज्य के विधि व्यवस्था और इस सब पर विचार करते हैं। उनका कहना है कि साथ होकर के हम लोगों को लड़ना चाहिए। अब वास्तविक बात है, जैसे आज भाजपा का बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा है, लेकिन आपने देखा कि मुजफ्फरपुर बालिका कांड से निकली हुई बच्ची बेटिया में आज उनके साथ 4 को लोग गैंग रेप किया और आज तक मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। ज्योति नाम के यहाँ एक बच्ची है, ये महिला है जो अपंग है, वो जीवन का माने मांग रही है भीख कि हमको मृत्यु का दे दीजिए वरदान ताकि हम ये लीला को समाप्त करें। तो एक तरफ सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरह की विडम्बना की बात होती है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि इसके साथ हम लोग एक रास्ता पर चलें। उसमें हमारे पप्पू यादव भी कई एक बार आए हैं। क्या है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब वो हम लोग महागठबंधन में इस पर विशेष चर्चा करेंगे, महागठबंधन में इन सब बातों को लेकर के आगे बढ़ने की बात हम लोग पहले करेंगे। वहाँ पर अगर कोई बात नहीं होती है उसके बाद फैसला किया जाए। देखिए,
फैसले बहुत सारे होने हैं विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन ये फैसला भी होगा जितने गैर भाजपा दल हैं वो सभी साथ आ पाते हैं ताकि वो भाजपा को पटकनी दे सकें। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।